नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं मानसी, आइए नजर डालते हैं आज की ताजा गतिविधियों पर। रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने 4 दिवसीय धरने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। सैकड़ों किसानों ने सरस्वती शुगर मिल द्वारा गन्ना ना लिया जाने पर जताया रोष। डड़वा में 4 कन्याओं का किया गया कुआ पूजन। एनएचएम वर्कर्स की नहीं थम रही हड़ताल। पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही न होने के कारण पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियाँ विस्तार से। रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने 4 दिवसीय धरने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। कर्मचारियों ने अपनी मांग पूरी न होने के कारण सरकार के खिलाफ जताया रोष। रिटायर्ड कर्मचारी संघ यमुनानगर द्वारा 4 दिवसीय धरना देने के बाद आज कर्मचारियों ने उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगों पर मंजूरी न मिलने के कारण रोष जताया है। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण आम जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार को कच्चे कर्मचारियों को हटाने की बजाय पक्का रोजगार देना चाहिए, साथ ही सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन देना चाहिए। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान विनोद कुमार त्यागी ने की। इस मौके पर रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन के जिला प्रधान ईश्वर दयाल शर्मा ने महंगाई भत्ते के आखिरी वेतन पर दिए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने 65, 70 और 75 वर्ष की आयु उपरांत 5% बेसिक पेंशन बढ़ाने की भी वकालत की। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ने 16 नवंबर को राज्य स्तरीय कन्वेंशन की थी और उस कन्वेंशन में यह निर्णय लिया था कि हरियाणा सरकार ने जो भी वायदे किए कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ वायदा किया था मीटिंग में कि हम कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी दे देंगे और हर 5 साल के बाद 5% बेसिक पेंशन हम वृद्धि दे देंगे। इन दो बातों के ऊपर उन्होंने सहमति जताई थी। इसके अलावा जो हमारी मेडिकल अलाउंस की बात है कि 3,000 रुपये महीना मिलना चाहिए, उसके बारे में हमने ज्ञापन दिया था क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी होगी हैं, आयु बढ़ने के साथ साथ बीमारियां लगती हैं, इसलिए ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम ये भी कह रहे हैं कि ये जो पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए क्योंकि नई पेंशन, क्योंकि हम समाज का भी हिस्सा, कर्मचारियों का भी हिस्सा है। हम ये चाहते हैं कि जो नए लड़के रोजगार में आ रहे हैं उनको भी पेंशन योजना के अंदर लाया जाए और फिर सरकार अब नई भर्ती करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रही है, आउटसोर्सिंग है, PPP इस पे लगा रही है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ये मांग करता है शिक्षा स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेवारी है। जब तक शिक्षा स्वास्थ्य सभी को नहीं मिलेगा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ का आंदोलन इसके लिए भी और अपनी मांगों के लिए भी जारी रहेगा। धन्यवाद। सैकड़ों किसानों ने सरस्वती शुगर मिल द्वारा गन्ना न लिया जाने के कारण जताया रोष। निराश किसानों ने लघु सचिवालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। यमुनानगर के सैकड़ों किसानों ने सरस्वती शुगर मिल द्वारा गन्ना ना लिए जाने को लेकर रोष जताया। किसानों का कहना है कि सरस्वती शुगर मिल द्वारा किसानों का गन्ना नहीं लिया जा रहा है, जबकि मिल बाहर से गन्ना खरीद रही है। इस बात से निराश किसानों ने लघु सचिवालय के समक्ष शुगर मिल के खिलाफ नारेबाजी की। इस बार गन्ने की फसल अधिक होने के कारण हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सभी शुगर मिलों को नवम्बर के प्रथम सप्ताह में चालू करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन मिल ने सरकार निर्देश की अवमानना करते हुए शुगर मिल को चलाने में 20 दिन की देरी की और मिल चालू करने पर 90% गन्ना आउट एरिया से खरीदा है, जिसके लिए मिल प्रबंधन ने बहुत सारे एजेंट रखे हुए हैं जो दिन रात मिल को आउट एरिया का गन्ना खरीदने में मदद कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों की रोजी रोटी व उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। निराश सैकड़ों किसानों ने जिला उपायुक्त RS खरब को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने इसलिए इकट्ठे हुए थे, हमारी जो सरस्वती शुगर मिल है इसने सारे किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया। सरकार ने इस बार सर्वे किया था और उसमें देखा था कि गन्ना बहुत ज़्यादा हुआ है किसानों ने इसका, तो ज़्यादा गन्ना होने के कारण सरकार ने एक निर्देश जारी किया था सभी शुगर मिलों के लिए, हरियाणा की शुगर मिलों के लिए, कि फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में सारी शुगर मिलें चलाई जाएंगी। तो इसमें जो है ना उसे और आदेश की परवाह न करते हुए उसको जो है ना नज़रअंदाज करते हुए 20 दिन लेट किया शुगर मिल चलाने में 20 दिन लेट किया और उसके बाद जो है ना 16 दिन हो गया शुगर मिल चलती हुई, तो 16 दिन के बावजूद भी जो है ना लोकल किसान को किसी को पर्ची नहीं दी। लगभग 90% गन्ना जो है ना ये शुगर मिल बाहर से गन्ना खरीद रही और लोकल किसान आज इतना दुखी है आज मजबूर होकर के इकट्ठा होना पड़े यहाँ पे सारे, उन्हें सभी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं इसके इस अत्याचार से। और हमारी सबकी यही डिमांड है कि प्रशासन इसकी जांच करे, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ा इसका दोष है। अगर ये दोषी पाया जाता है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करें। हम इस हमारी ये मांग है सब भाइयों, किसी की परवाह नहीं करते,
वो किसी की नहीं सुनवाई करते, बिल्कुल उनसे हर रोज़ बात करते हैं, वो किसी की सुनवाई नहीं करते, वहाँ कोई सुनवाई नहीं करता बिल्कुल भी, वहाँ तो धक्का पेल है सारी चीज़ों, अपनी मन मर्जी चलाते हैं वो। दड़वा में चार कन्याओं का किया गया कुआ पूजन। गांव की सबसे शिक्षित लड़की को बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला यमुनानगर ने छछरौली के दड़वा गांव में चार कन्याओं का कुआ पूजन किया। विभाग द्वारा चारों बालिकाओं के परिवार और गांव की सबसे शिक्षित बालिका को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सभी माताओं को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गांव की सबसे शिक्षित बालिका निशा को गांव का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संरक्षण अधिकारी प्रीति वत्स ने किशोर न्याय अधिनियम पोस्को एक्ट एवं बाल अधिकार स्पॉन्सरशिप फोस्टर केयर की जानकारी दी। साथ ही बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की जानकारी दी गई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ऋचा बुद्धि राजा ने कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना बेहद आवश्यक है। बच्चों के शिक्षित होने से ही समाज प्रगति की ओर बढ़ेगा। आज कम लिंगानुपात वाले गांव में सबसे शिक्षित बालिका को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना एक अच्छी शुरुआत है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता गुरप्रीत सिंह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ममता शर्मा और कई स्कूली बच्चे मौजूद रहे। दड़वा की जो आंगनवाड़ी सेंटर है उसमें आज एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें लो सेक्स रेशो जिन जिन गांवों की है उनको चुना जा रहा है और सबसे कम जो गर्ल सेक्स रेशो है उसके हिसाब से गांव को चुनकर वहां पर कुआं पूजन का प्रोग्राम कर रहे हैं और ताकि लोग अवेयर हों और उनको ये मैसेज जाए कि बेटी बचाना और बेटी को पढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। इसी कार्यक्रम के दौरान कुआं पूजन के साथ साथ जो गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी दड़वा गांव में, निशा नाम की एक लड़की है जो कि जिसने बीएड किया हुआ है, तो उस लड़की को एज ए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया और ताकि वहां के लोगों को प्रेरणा मिले कि अपनी बेटियों को हमने बचाना भी है और पढ़ाना भी है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छे स्तर पर प्रयास किया गया है। ये पूरे हमारे जो यमुनानगर जिला है उसमें जगह जगह पर हर एक ब्लॉक में इस तरह के प्रोग्राम पहले भी हो चुके हैं और श्रृंखलाओं में होते जा रहे हैं। आज यहाँ पर चार लड़कियों का कुआ पूजन किया गया। वहाँ के लोगों को यही शिक्षा मिली है कि अगर आप बेटी बचाएंगे तो सरकार आपके साथ है और पहली बात तो आप कोई अपराध नहीं करेंगे, किसी बच्चे का चयन करके लड़का लड़की में भेद करके उसका लिंग जांच करते हुए गर्भपात नहीं होगा, तो एक तो आप एक बहुत बड़े अपराध से बचेंगे, वहीं दूसरी तरफ सरकार का हर स्टेप पे लड़कियों को साथ है, सहयोग है, ऐसे परिवारों को सहयोग है उसका संदेश दिया गया। और अगर परिवार वाले ऐसे बेटियों के जन्म पे कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मगर सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, उनके जन्मदिन मना रही है, उनको उनका उनके लिए कुआ पूजन कर रही है और बहुत सारे उनके डेवलपमेंट के रास्ते खोल रही है। कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सरिता चौहान जी, उनके प्रयासों से ही आज यमुनानगर का बहुत ही अच्छा स्थान है और इस बार हमारी सेक्स रेशो भी बहुत अच्छी जा रही है। कंसिस्टेंटली यमुनानगर पहले से तीसरे स्थान के बीच में चले जा रहा है। नहीं थम रही एनएचएम वर्कर्स की हड़ताल, तीसरे दिन भी किया विरोध प्रदर्शन। एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर चल रही हड़ताल को दो दिनों के लिए बढ़ा दिया है। आज से एम्बुलेंस ड्राइवर्स और ईएमटी पूरी तरह से हड़ताल पर चले गए जिसके कारण सभी स्वास्थ्य सेवाएं अस्त व्यस्त नजर आईं। इस बीच कर्मचारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर एनएचएम प्रधान विजय काम्बोज ने सरकार से एनएचएम सर्विस रूल लागू करने और कर्मचारियों को उनका हक देने की मांग की। मेरा नाम डॉक्टर मधु शर्मा है और मैं एनएचएम में जिला हेडक्वार्टर पर कार्यरत हूँ। सर, हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें जो है सबसे पहले तो समान काम समान वेतन की मांग है और साथ ही हमें मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि आपके 20 दिन में सर्विस बायलास बना दिया जाएंगे, लेकिन वो 20 दिन की अवधि जो है अब 40 दिन हो चुके हैं और अभी भी जो है हमें कोई भी इस तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके साथ ही सेवन पे कमीशन का भी हमें आश्वासन दिया गया था जो 14.5
29% का बढ़ोतरी का है, वो उसके बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल पर बैठे हैं। 2 दिन की हड़ताल थी, 2 दिन और बढ़ा दी गई है, और अगर मांगे पूरी नहीं होती तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। जो है स्पीकर साहब हैं हमारे कंवरपाल जी, उनको ज्ञापन दिया है, और स्टेट से एक लेटर भी आया है जिसमें एक हमारा जो स्टेट लेवल के जो प्रधान हैं और यूनियन के कर्मचारी हैं उनको MD के साथ बातचीत के लिए बुलाया गया है। लेकिन बातचीत का जब तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो तब तक हम जो है हड़ताल पे बने रहेंगे। उन्होंने यही बोला है कि आपकी जो मांगे हैं, आपका जो ये जो आपने पत्र दिया है, ये CM तक आपकी बात पहुँचाई जाएगी, लेकिन ये है कि हाँ, और आपकी मांगे जायज़ हैं। उन्होंने जैसे कि हमने बात की कि हमारे आयुष डॉक्टर हैं जिनको बहुत ही कम वेतन, सिर्फ 22,000 रुपये वेतन दिया जाता है, तो उन्होंने भी आश्चर्य जताया कि बहुत कम वेतन पर आप लोग काम कर रहे हैं और आपकी मांगे जायज़ हैं, और मैं तुरंत ही मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करूँ। पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग। मॉडल टाउन सरनी चौक निवासी एक व्यक्ति ने अपने साथ हुई घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। शिकायतकर्ता रमनदीप सिंह का आरोप है कि कुछ लोगों ने 3 दिसंबर की रात को उनकी दुकान में घुसकर उनके व उनके पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया। दोषी गणों ने उनके पिता गुरजीत सिंह के साथ बहुत अपमानजनक रूप से हाथापाई की, जिसके चलते उनके परिवार में बहुत रोष है। आरोपियों द्वारा रमनदीप के परिवार के साथ मारपीट की गई, जिसमें उनके पिता को काफी चोटें आई। पीड़ित परिवार द्वारा 3 दिसंबर को पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन फिर भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अपने बच्चे और हस्बैंड के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चे के केस काटने के लिए कैंची ली और हम धक्के से इनको हटाया, हमारे इन्होंने गले पकड़े दोनों के बच्चों ने, तो हमने धक्का हमें दिया, कहते पीछे हो जाओ आप, आगे नहीं आओगे, हमारी पगड़ियाँ उतार के बच्चे दोनों की ले गए हैं, अपनी गाड़ी में उन्होंने पगड़ियाँ रख ली हैं, अपने आप को कट मार के, तो हमारे ऊपर केस करवा दिया। प्रशासन में पैसा फेंक रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि दुकान से हमें निकालने के लिए कहा गया कि अब दोबारा यहाँ पे दुकान करी तो ये हशल होगा, इससे ज्यादा होगा हशल। जो सर मेरा कोर्ट केस चल रहा है दुकान का, और जो से उसके पड़ोसी हैं साथ मिलके, वो थोड़े बदमाश लोग हैं, हम पे दबाव पा रहे हैं। पहले मेरी दुकान के 3 महीने पहले मेरी दुकान के बाहर ईंटें गिरी हैं, मैंने उसकी लिखित DC साहब को भी दी है, कोर्ट केस 33B का SDM कोर्ट में भी चल रहा है। अब उसका पता है कि तारीख नज़दीक आ रही है, 12-12 उनको जवाब देना पड़ेगा कि ईंटें क्यों सटवा रखी हैं। उन्होंने हमारे पे जानलेवा हमला कर दिया कि ये अब यहाँ पे तुम्हें हम दुकान चलाने नहीं देंगे। मेरे घर वाले को कहा, मेरा फादर 62 साल की उम्र के हैं, पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं, और उनकी छातियों में मुक्के मारे हैं, गुम चोटे दी हैं, आज वो गुलाटी अस्पताल में पड़े हैं। हम सिविल में गए, हमारे को कह दिया गया ये तो ठीक है फर्स्ट क्लास ले जाओ, हमारा मेडिकल भी पूरा नहीं किया गया प्रॉपर वे से, कोई कार्रवाई हमारी नहीं हो सुनवाई। 4 दिन से हो रहा है, और 4 दिन से आज मेरी दुकान बंद पड़ी है, जाके आप देख सकते हैं मेरे कारीगरों के घर गए हैं, उनको क्वार्टरों से भगा दिया कि यहाँ पे तुम दुकान पे काम करने आए तो तुम्हें मारेंगे। तुम का मेरी रजिस्ट्री दुकान उसने नहीं कराई थी, कोर्ट केस चल रहा है, आज 1.5 साल हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं है, अब वो इस तरीके से केस अपना दुकान खाली कराना चाहता है गुंडों के साथ मिलकर। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।